नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस फीडबैक। गाइस आज समय कम था लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो तो आप लोगों के लिए लाकर रहूंगा और कुछ ना कुछ नया सिखा कर रहूंगा। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसमें हम बैच स्क्रिप्ट की हेल्प से एक शॉर्टकट क्रिएट करेंगे जिससे आपका सिस्टम आप स्लीप मोड में डाल सकते हैं। स्लीप मोड क्या होता है? स्लीप मोड में आपका सिस्टम एक लो पावर स्टेट में पहुंच जाता है। लो पावर स्टेट मींस आपके कंप्यूटर का जो करंट टास्क होता है, जो भी आप कर रहे होते हैं, वो तो मेमोरी में शिफ्ट कर दिया जाता है और जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनको शट डाउन कर दिया जाता है। यानी कि आपका सिस्टम बहुत ही लो पावर कंज्यूम करता है और ना के बराबर पावर कंज्यूम करता है। तो ऐसे में अगर आपको कहीं पर अपने टास्क को छोड़कर अर्जेंट में जाना हो और आपको ऐसा लगता है कि 2-3 घंटे में वापस आएंगे और यूज करेंगे, तो आप पावर वेस्ट ना हो तो आप स्लीप मोड में डालकर जा सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको सफर करना पड़ता है कई बार कि कैसे डालूं, क्या करूं, तो मैं आपको यहां पे शॉर्टकट बना देता हूं। तो यहां पर आपके डेस्कटॉप पे रहेगा और स्लीप मोड में आपका सिस्टम एक क्लिक में चले जाएगा। कैसे? सबसे पहले आप डेमो देख लीजिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास यहां पे स्लीप मोड का एक बैट फाइल यहां पे क्रिएटेड है। तो जैसे ही मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं, मेरा सिस्टम यहां पर ऑफ आपको नजर आएगा, ठीक है। लेकिन ये ऑफ तो हो गया है, पावर बटन भी मेरा ऑफ हो गया है। अब मुझे नेक्स्ट टाइम इसको ऑन करने के लिए पावर बटन प्रेस करना होगा। और मजे की बात यह है, जैसे मैं पावर बटन प्रेस करूंगा तो यहां पर जो करंट स्टेट थी, जो मेरे सिस्टम में आपने देखा कि नोटपैड ओपन था और उस पर लिखा हुआ था प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस, वो स्टेट एज इट इज मेरे सामने आ जाएगी, वो नोटपैड एज इट इज मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पे पावर बटन दबाया और मेरा सिस्टम चालू हो गया और ये करंट स्टेट में मेरा सिस्टम यहां पे ऑन होके आ गया है। चलिए आप देखते हैं कि किस तरीके से स्लीप मोड के शॉर्टकट को बैच स्क्रिप्ट की हेल्प से क्रिएट करेंगे। हालांकि बैच स्क्रिप्ट का इसमें ज्यादा कुछ यूज है नहीं, जस्ट आप नोटपैड ओपन करेंगे, हमें डायरेक्ट यहां पे कमांड लिखनी है। बैच स्क्रिप्ट हम इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि बैट एक्सटेंशन हम यहां पे सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे कमांड क्या लिखेंगे वो आप देख लीजिए, हालांकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जिससे कि आपसे मिस्टेक ना हो। तो कमांड के लिए हम यहां से वो फाइल एग्जीक्यूट करेंगे जो स्लीप मोड को एक्टिव करे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रन dll32.exe, ठीक है। इसके बाद एक स्पेस देंगे और लिखेंगे पावर power, ठीक है, प्रोफाइल डॉट dll, ये आप लिखेंगे। फुल स्क्रीन कर देता हूं जिससे कि आपको एक ही लाइन में पूरा कमांड यहां पर नजर आ जाए। देन बिना स्पेस के कॉमा लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे सेट सस्पेंड स्टेट। सेट में पहला एस कैपिटल, सस्पेंड में पहला एस कैपिटल और स्टेट में पहला एस कैपिटल, ये तीनों एस कैपिटल रहेंगे। देन स्पेस देके आप यहां पे लिख देंगे स्लीप, ठीक है। यहां पे स्लीप में एस स्मॉल ही रहेगा, ठीक है। हालांकि एस से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी आप प्रिसाइज रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो जस्ट आपको ये लिखना है और इस फाइल को आपको सेव कर देना है। फाइल में गए, सेव एज किया, डेस्कटॉप पे मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं और यहां पर इसका नाम रख देता हूं स्लीप मोड डॉट bat। जस्ट आप ये लिख देंगे, सेव कर देंगे और इस फाइल को आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोज कर दिया और यहां पे आपके पास एक बैच स्क्रिप्ट का शॉर्टकट यहां पे क्रिएट होके आ गया। आप चाहें तो इसका शॉर्टकट बना के, शॉर्टकट से असाइन करके आप इसमें आइकन वगैरह भी दे सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया हुआ है। तो जस्ट आपका यहाँ पे शॉर्टकट रेडी हो गया है और अब आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे इस पे आप डबल क्लिक करेंगे आपका सिस्टम स्लीप मोड में चले जाएगा। ये वीडियो मैं शॉर्ट में भी बना सकता था आपके लिए, हालांकि मात्र 20 से 30 सेकंड में ये आपको वीडियो डेमोंस्ट्रेट हो जाता, लेकिन स्लीप मोड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको देना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये लॉन्ग वीडियो बनाया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।